एग्री कमोडिटीज के अंदर आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कमाई के मौके कहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चलिए इन पर एक नजर डाल लेते हैं। आज नॉन एग्री कमोडिटीज में तो हमने जाना कि सोने और चांदी के अंदर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए, वहीं अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज एग्री कमोडिटीज का बाजार पूरे लाल निशान के साथ खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग सभी कमोडिटीज के अंदर आज जबरदस्त गिरावट के साथ शुरुआत होती हुई दिखाई दी है। चने में गिरावट है, कैस्टर सीड के अंदर गिरावट है और इसी के साथ कॉटन ऑयल सीड केक के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। धनिया को छोड़ दे तो बाकी सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर आज ऊपरी स्तरों पर दबाव बनते हुए दिखाई दिया है। वहीं कपास के अंदर आज खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही है। चलिए नजर डालते हैं सभी कमोडिटीज के ऊपर। सबसे पहले बात करें अगर कैस्टर की, तो कैस्टर काफी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 6,000 से 6,200 के बीच कारोबार देखने को मिल रहा है और आज भी बाजार उसी लेवल के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवंबर वायदा की बात करें तो 6,200 का आज ऊपर का हाई लगा, लेकिन 6,200 के नीचे फिलहाल बाजार कारोबार करता दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल काफी जो है पॉजिटिव है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव अभी नहीं है। 6,000 के आसपास का सपोर्ट और ऊपर में 6,200 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी बाजारों को तेजी की तरफ ले जा सकती है। 6,200 के ऊपर की क्लोजिंग आने पर कैस्टर सीड के अंदर 6,300 के स्तर संभव है कि देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहरहाल अभी इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। आज इंट्राडे में 6,140 तक नीचे लुढ़क सकता है और ऊपर में 6,640 की रेंज देखने को मिल सकती है। 6,140 के आसपास अगर मिलता है, 6,140-6,120 के आसपास, तो वहां पर खरीदारी की रणनीति कर चला जा सकता है क्योंकि निर्यात मांग आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं अगर बात चने की करें तो आज चने की भी हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट के साथ शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। चने में बहरहाल काफी असमंजस की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, बहुत ज्यादा ना तो मंदी है और ना ही तेजी का दौर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चना 5,200 से लेकर 5,000 के स्तरों के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। निचले स्तरों पर खरीदारी ही करनी चाहिए। आज इंट्राडे में 20 से 40 पॉइंट के लिए आप इसमें बिकवाली की तरफ रह सकते हैं। 5,160 से लेकर 5,120 तक हो सकता है आज बाजार नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे। उसके बाद वहां पर 5,000 का एक सपोर्ट बनता हुआ नीचे दिखाई दे रहा है जो काफी अहम सपोर्ट है। अगर 5,000 का लेवल ब्रेक होता है तो गिरावट बढ़ सकती है, अदरवाइज इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। 5,100 से लेकर 5,220 की रेंज में चना फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल के लिए चने में खरीदारी से बचना चाहिए और ना ही कोई बिकवाली करनी चाहिए। चने से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि अभी ट्रेंड काफी क्लियर नहीं है, एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ चना दिखाई दे सकता है। वहीं चने के बाद अगर नजर डाले बिनोला खल के अंदर, जहां कपास के अंदर आज तेजी है तो बिनोला खल में आज गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। 25 अंकों की गिरावट के साथ बाजार खुलते हुए दिखाई दिए। दिसंबर वायदा 2482 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके अंदर भी एक ऊपरी लेवल जो है वो बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल 2400 से लेकर 2500 की रेंज है और निचले स्तरों पर खरीदारी की ही रणनीति होनी चाहिए। दिसंबर वायदा यहां पर आप 2460-2440 की अगर रेंज मिले, आज इंटरडे में गिरावट मिले तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है कि 2580 से लेकर 2620 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। तो बिनोला खल में इंटरडे में बिकवाली 40 से 50 अंकों के लिए और निचले स्तर पर, वही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ से मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म आप बाइंग करके चल सकते हैं। अब नजर डालें अगर मसालों के अंदर, तो मसालों में आज धनिये में तेजी देखने को मिल रही है। धनिये के अंदर आज खरीदारी है, निचले स्तरों पर बाजार एक बार फिर से उठते हुए नजर आए हैं। नवंबर वायदा की अगर बात करें तो नवंबर वायदा 8,000 के ऊपर निकल चुका है, तो यानी कि 8,200 के स्तर अब एक्सपेक्टेड है कि धनिये के अंदर देखने को मिल सकते हैं। धनिये के अंदर भी अगले वायदा में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 7,940 के आसपास मिले या 7,900 के आसपास, तो इस लेवल के अंदर आप इसमें खरीदारी की रणनीति बना सकते हैं। 7,800 का एक स्टॉप लॉस लगाकर ऊपर में 8,200 के टारगेट के लिए इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। वहीं धनिये के साथ अगर बात करें हल्दी की, तो हल्दी में आज ऊपरी स्तरों पर गिरावट है। हल्दी के अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली देखने को मिल रही है। नवंबर वायदा में 1.5% के आसपास यानी 1.25% बाजार लुढ़क चुके हैं, तो हल्दी में जबरदस्त गिरावट आई है क्योंकि बाजारों में मांग अभी फिलहाल निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही। फेस्टिवल सीजन की एक डिमांड जो एक्सपेक्ट की जा रही थी वो फिलहाल बाजारों में अभी लौटी नहीं है, तो अभी बाजार नीचे जा सकता है। 7,400 से अगर लेवल तोड़ता है तो 7,360 तक नीचे गिर सकता है। उस लेवल के ऊपर खरीदारी करके चला जा सकता है। वापिस से बाजार 7,500 से 7,600 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं बात जीरे की करें तो जीरे में भी ऊपरी स्तरों पर
ब्रेक वाली है। जब तक 15,000 के ऊपर जीरा सस्टेन नहीं करता तब तक इसमें लंबी तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो 1500 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो वहीं पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। आज इंट्राडे में अगर देखा जाए तो जीरा नवंबर वायदा 14,400 तक लुढ़क सकता है और ऊपर में 14,800 की रेंज देखने को मिल सकती है। वही नजर डाल रहे ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो ग्वार कॉम्प्लेक्स के अंदर भी आज गिरावट देखने को मिल रही है ग्वार गम, जबकि 10,000 के ऊपर सस्टेन लेकिन ऊपरी स्तरों से लुढ़कता हुआ। वही ग्वार सीट की बात करें तो 6,000 के नीचे लुढ़क चुका है। 5,890 पर नवंबर वायदा, तो वही अक्टूबर वायदा 5,866 पर कारोबार करता दिखाई दे रहा है। ग्वार एक ऐसी कॉमोडिटी बन चुकी है जो 10,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही और सीट 6,000 के ऊपर नहीं रुक पा रही। जैसे ही बाजार इसके ऊपर जाता है वहां से एक हैवी सेलिंग देखने को मिलती है, यानी जिन लोगों ने निचले स्तरों पर माल खरीदा है वो ऊपरी स्तरों पर माल निकालते हुए दिखाई देते हैं। तो फिलहाल यही रेंज अभी बनती हुई दिखाई दे रही है। फंडामेंटल कोई बहुत ज्यादा इसका सपोर्टिव नहीं है। जो खबरें निकल कर आ रही हैं उन खबरों के चलते एक पॉजिटिविटी जरूर बनाई जा रही है मार्केट के अंदर और उसी वजह से इसके अंदर ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। तो फिलहाल एक रेंज के बीच में, तो जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के हिसाब से इसमें कारोबार करना चाहिए। मुझे लगता है कि ग्वार के अंदर अभी आपको थोड़ा सा वेट करें, अभी गिरावट आ रही है, इस गिरावट के अंदर वापस से खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे सकती है। सीट अगर आपको नवंबर वायदा 5,800 के आसपास मिलता है तो वहां पर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बाय कर सकते हैं। 5,600 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में वापस से आपको 6,000 से लेकर 6,200 का स्तर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर गम की बात करें तो गम भी नीचे में 9,800-9,700 मिले तो वहां पर खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए। नवंबर वायदा में इंट्राडे में आप बिकवाली की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर आप बात करें एडिबल ऑयल सेक्टर की, तो एडिबल ऑयल सेक्टर में तो अभी फिलहाल गिरावट का दौर गहराता हुआ नजर आ रहा है। जहां सरसों में गिरावट है तो वहीं सोयाबीन भी लुढ़का हुआ है और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आज ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे ज्यादा गिरावट हमें सरसों के अंदर सोयाबीन के अंदर देखने को मिल रही है। अक्टूबर वायदा जहां 2.5% से ज्यादा लुढ़का है तो वहीं नवंबर वायदा 3% तक लुढ़क चुका है। जबरदस्त गिरावट सोयाबीन के अंदर, जो कि हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, लगातार हम इस शो के माध्यम से बताते आ रहे हैं कि सोयाबीन में फिलहाल तेजी की संभावनाएं नहीं है और 5,500 के स्तर जो दिए थे वो अचीव हो चुके हैं। आज बाजार 5,500 के नीचे 5,480 पर और अगला नवंबर वायदा 5,410 पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से अब सोयाबीन 5,000 के स्तरों की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस तरीके से गिरावट गहराई है अब ये 5,000 तक जा सकती है। तो फिलहाल एडिबल ऑयल पैक के अंदर खरीदारी को बिल्कुल अवॉइड करें। जो माल रखा है, जो बाउंस आता है उस बाउंस पर मेरे हिसाब से निकाल देना चाहिए, क्योंकि अब एडिबल ऑयल सेक्टर में बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि अभी जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो काफी गिरावट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक तिहारी सीजन की मांग सरसों को पिकअप दे सकती है बट बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी मार्केट में दिखाई नहीं दे रही। लेकिन सरसों जहां तक 8,000 के ऊपर सस्टेन है तो काफी गिरावट की तरफ भी नहीं है। 8,000 के ऊपर जब तक रहेगी तब तक बाजार जो है 8,000 से 9,000 के बीच में घूमता हुआ दिखाई दे सकता है। 1,000 पॉइंट की रेंज काफी लंबी रेंज है जो कि फिलहाल इसके अंदर बनी रह सकती है। नवंबर वायदा ऊपर में आज इंट्राडे में हो सकता है, अगर तेजी बनी तो आपको 8,500 तक खींच कर ले जाए, अदरवाइज नीचे में 8,340 के नीचे अगर लुढ़क जाता है एक बार फिर से, जो कि आज हमने सुबह भी देखा 8,248 का लो लगा, अगर इसके नीचे मार्केट लुढ़कता है तो 8,000 के स्तर आपको सरसों में भी देखने को मिल सकते हैं गिरावट के चलते। वहीं रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करें तो इसमें भी गिरावट है, बाजार कभी भी 1,200-1,300 के नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक के अंदर खरीदारी से बचना चाहिए। जो भी ऊपरी स्तर मिलते हैं उन ऊपरी स्तरों के अंदर जो भी माल रखा है उसको धीरे धीरे लिक्विडेट करने की रणनीति होनी चाहिए। तो वहीं आज अगर हम एग्री कमोडिटीज की बात करें तो आज एग्री कमोडिटीज के अंदर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ऐसी कौन सी कमोडिटी हो सकती है जो आपको मुनाफा देती हुई नजर आ सकती है। बहरहाल आज तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सभी कमोडिटीज के अंदर जबरदस्त गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस गिरावट के अंदर भी खरीदारी के मौके हैं। हमें लगता है कि बिनोला खल जो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। दिसंबर वायदा में 2460 से लेकर 2440 के आसपास अगर मिले तो इसको आप एक मीडियम टर्म के लिए इसको बाय कर सकते हैं ऊपर में 2600 के टारगेट के लिए। वहीं बिनोला खल के साथ साथ धनिया अच्छा लग रहा है, यहां से धनिया एक बार आप 8,500 का स्तर नवंबर वायदा दिखा सकता है। तो बहरहाल ये दो कमोडिटी ऐसी हो सकती है जो आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं, जो आने वाले दिनों में आपको मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती है।